नमस्कार, मैं मोहन दुबे, वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई है और लैंड यूज में भी बदलाव का नोटिफिकेशन वैध था, लेकिन शर्त रखी कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्मॉग टावर लगाने और एंटी स्मॉग गन इस्तेमाल करने का सुझाव दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। मोदी ने कहा कि 450 किमी की इस बात का उदाहरण है कि सभी मिलकर काम करें तो कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं। इस प्रोजेक्ट से केरल और कर्नाटक में एज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ये पाइपलाइन क्यों जरूरी है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इससे दोनों राज्यों में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। फर्टिलाइजर, केमिकल, बिजली जैसे उद्योग हो, सभी को इससे लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयर, वाटर, डिजिटल कनेक्टिविटी में जितना काम भारत में हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में ओले गिर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई दूसरे राज्यों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर मंगलवार को भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मैदानी और निचले इलाकों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। बर्फबारी की वजह से अटल टनल रोहतांग से 2 दिनों तक वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन है। सोमवार को किसानों और केंद्र के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा कि एमएसपी पर क्या दिक्कतें हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, सरकार सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी दे। कृषि मंत्री ने कहा, हम तैयार हैं, आप पॉइंट बताएं, हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। इस पर किसान नेता बोले, 8 दौर की चर्चा हो चुकी और कितना समय चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मुरादनगर शमशान घाट हादसे मामले में जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रासुका लगाने का आदेश दिया है। यही नहीं, योगी ने पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा है कि जब सितंबर में ही दिया था 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश, तो चूक क्यों हुई है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी ने मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कभी जिस एमएलए को सत्तारूढ़ दल का सचेतक बनाया था, उनका एक नया वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पाठ पढ़ाते सुनाई दे रहे हैं। इस पाठ पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने भागलपुर के हारे भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के बहाने ब्राह्मणों की परिभाषा गढ़कर बवाल मचा दिया है। उनके हिसाब से ब्राह्मण नाटा, काला या तीन चुटिया वाला नहीं हो सकता। भाजपा ने इस बयान पर जदयू को संज्ञान लेने को तो कहा ही, ये भी कह दिया है कि उन्हें अभी ब्राह्मण से भेंट नहीं हुआ है। बिहार सरकार की ओर से राजधानी के अधिवेशन भवन में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जा रहा है। पिछले एक साल में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर क्या काम हुआ है, सीएम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत अनेक मंत्री मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में कृषि पदाधिकारियों के साथ जीविका दिव्या भी शामिल है। इस कार्यक्रम में लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई तरह की शपथ भी दिलाई गई है। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान, सुहेल खान और उनके बेटे निर्माण के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का केस दर्ज किया गया है। तीनों 25 दिसम्बर को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लौटे थे, लेकिन ये लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहने की बजाय अपने घर चले गए। हालांकि अभी तक तीनों में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है।
जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक्ट्रेस के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का इंतजाम मुंबई के ताज ग्रैंड होटल में किया गया था, जहां इन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना था, पर ये लोग अगले ही सुबह होटल से घर चले गए। इसके बाद बीएमसी ने तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ड्रग्स मामले में रविवार को हिरासत में ली गई टॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता कुमारी को सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया है। एक्ट्रेस चेहरे पर दुपट्टा डालकर पहुंची थी। श्वेता को ड्रग्स के साथ मुंबई के मीरा रोड के होटल में छापे के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि एक्ट्रेस जिस ड्रग्स सप्लायर के साथ रुकी थी वो भागने में कामयाब रहा। एनसीबी ने यहां से 8 से 10 लाख रुपए का 400 ग्राम एमडी जब्त किया था। पूरे दिन एक्ट्रेस से पूछताछ करने के बाद शाम को 6 बजे के बाद उसे जाने दिया गया। महाराष्ट्र में ब्रिटेन से लौटे 8 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इन 8 लोगों में से 5 मुंबई, 1 पुणे, 1 ठाणे और 1 मीरा भाईंदर से है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि सभी को क्वारंटाइन किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के काम जारी है। राज्य में लगने वाला नाइट कर्फ्यू भी कल सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा है। इससे पहले राज्य में 8 मरीजों में नए स्ट्रेन मिलने की जानकारी चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि कोरोना के नए खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ब्रिटेन समेत कई यूरोपियन देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी।